दोस्तों गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में टाटा एपल का मैच नंबर 44 जो कि आज के ही डेट में यानी कि 7:23 शाम में खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच में अगर आप टीम बनाना चाहते हैं फंटसी एप्लीकेशन कर, रिस्की और सेफ दोनों ही आपको पसंद है तो गाइस ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली आपको मैं एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा जो कि हाई लेवल की, और उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेफ टीम जो कि ग्रैंड लीग की, और दूसरी दोस्तों आपको यहाँ पे रिस्की टीम मिलने वाली है। तो मेरे भाई दोनों टीम से आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपको कॉम्पिटिशन देखना है, कॉम्पिटिशन देखना है कि कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई यहाँ पे आप जो कि खेल सकते हैं बल्लेबाजी एप्लीकेशन पर, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट ऑफर भी धमाकेदार चलते हैं गाइस, ठीक है। तो दोस्तों आप बने रहिए वीडियोस के साथ, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि एक ऑलरेडी मैंने एनालिसिस वीडियो पूरी एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दी, तो यार उसको देखा नहीं दोस्तों तो जाइए देखिए, और वहाँ पे गिव अवे भी पार्टिसिपेट करिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली टीम प्रोवाइड करूंगा, और वहाँ पे टीम का सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। करते हो क्रिकेट से प्यार और करना है अपने इस स्किल का सही इस्तेमाल, तो देर किस बात की, जाओ करो बल्लेबाजी डाउनलोड, नीचे दिए गए लिंक से बल्लेबाजी लाया कोड 39IPL यूज करना मत भूलना, क्योंकि जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपको 1000 रुपये डिपॉजिट करने के टाइम मिलेगा मेगा लीग की टिकट और बिल्कुल फ्री में। इस कोड का हम 3 बार यूज कर सकते हैं, और MAY07 यूज करके 7% का बोनस, मिनिमम डिपॉजिट 10,000 और मैक्सिमम 1,00,000, और ये कोड सिर्फ 2 बार यूज होगा। और भी बहुत सारे बेहतरीन ऑफर चल रहे हैं बल्लेबाजी पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों अगर हम बात करें मैच स्टार्ट कब होगा, 2 मई इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 7:23 नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, इसी वेन्यू में मैच खेला जाने वाला है। और दोस्तों अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि वेन्यू यानी कि स्टेडियम है किस प्रकार से फिलहाल है, और पिच की कंडीशन कैसी है दोस्तों, पिच का बिहेवियर कैसा है, किस बैट्समैन या किस बॉलर्स को यहाँ पे हेल्प मिलेगी दोस्तों वो भी क्लियर करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखिए लास्ट 5 मैच अगर हम दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पे जो विकेट गिरी है पेसर बॉलर्स के लिए 35 विकेट मिली है, जिसमें कि फर्स्ट इनिंग में 20 और सेकेंड इनिंग दोस्तों 15 विकेट। स्पिनर को 5 मैच जो लास्ट खेले जा चुके हैं इस ग्राउंड पर 24 विकेट मिली है, जिसमें कि फर्स्ट इनिंग में 13 और सेकेंड इनिंग दोस्तों 11 विकेट मिली। तो कहीं ना कहीं देखिए 35 और 24 का जो कॉम्बिनेशन है स्पिनर और पेसर के लिए तो यार कुछ ज़्यादा दूर है नहीं, तो दोनों को दोस्तों यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। एंड अगर हम बात करते हैं कि जो स्कोरिंग पैटर्न रहा है किस हिसाब से दोस्तों रहा है, मैं आपको बता दूं कि बाउंड्री तो काफ़ी लॉन्ग है, बट दोस्तों यहाँ पे हाई स्कोर भी देखने को मिला है। एंड देखिए लास्ट का जो मैच हुआ यहाँ पे रिसेंट गई गुजरात ने यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए 207 बनाया था, मुंबई इंडियंस ने दोस्तों 152 बनाया, मैच को विन नहीं कर पाई। फिर दोस्तों यहाँ पे एक मैच हुआ गुजरात ने 170 का स्कोर बनाया, राजस्थान ने यहाँ पे 179 बना करके मैच को विन किया, ठीक है। यहाँ पे गुजरात ने दोस्तों 204 का स्कोर बनाया, केकेआर ने 207 बना करके मैच को विन किया, सीएसके ने दोस्तों यहाँ पे 178 बनाया, गुजरात ने 182 बना करके विन किया, राजस्थान ने 130 बनाया, और गुजरात जो है फिलहाल टाइटंस ने दोस्तों यहाँ पे 133 बना करके मैच को विन किया। तो दोस्तों ये था स्कोरिंग पैटर्न, मतलब आप समझ सकते हैं कि पिच देखिए भले ही लॉन्ग बाउंड्री है स्पिनर के लिए थोड़ी सी बढ़िया पिच है, बट दोस्तों यहाँ पे जो स्कोर देखने को मिला है मेरे भाई तो वो 150 प्लस एवरेज स्कोर, मैं आपको बता दूं 150 प्लस आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। मतलब बैट्समैन को दोस्तों आपको पिक करना है, बट यार विकेट भी गिर रही है ये भी ध्यान आपको दोस्तों देना, सुइटेबल पिच की गुजरात के लिए काफी अच्छी है ये, ठीक है। एंड बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 क्या रहेगी, सबसे पहले बात करें गुजरात की जो कि प्रबल प्लेइंग 11 रहने वाली है, शुभमन गिल और फिलहाल यहाँ पे वृद्धिमान शाह दोस्तों ये ओपन कर रहे हैं टीम के लिए। शुभमन गिल राइट हैंड बैट्समैन है, वृद्धिमान शाह राइट हैंड बैट्समैन एंड विकेट कीपर है। तीसरे नंबर आपको टीम के कप्तान जो कि हार्दिक पंड्या राइट हैंड बैट्समैन प्लस राइट हैंड मीडियम पेसर बॉलर्स, फिर उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा विजय शंकर जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, ठीक है। दोस्तों ये बैटिंग ऑर्डर क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट मिलेगा। और टॉस के बाद दोस्तों डेविड मिलर की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कि मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करने आते हैं, राहुल तिवारी जो कि लेफ्ट बैट्समैन लेग ब्रेक गूगली स्पिन बॉल्स हैं दोस्तों ये डेथ में बैटिंग करने आते हैं। एंड अगेन बात करते हैं राशिद खान की जो कि फिलहाल लेग ब्रेक गूगली यानी कि स्पिन बॉल्स हैं, मोहम्मद शमी राइट आर्म फास्ट यानी कि पेसर बॉल्स हैं, मोहित शर्मा राइट आर्म मीडियम फास्ट पेसर है, उसके बाद नूर अहमद लेफ्ट आर्म चिन्नियावर यानी कि उसको स्पिन है, जो सोरेंटिल लेफ्ट आर्म फास्ट यानी कि पेसर बॉल दोस्तों, ठीक है। ये देखिए प्लेइंग 11 जो कि रिसेंट थी, ऐसा इंपैक्ट प्लेयर जो आते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट आपको मिलेगा, इस टीम में रखना है कि नहीं रखना उनको तो वहाँ पर दोस्तों हम क्लियर कर लेते हैं। अब बात करते हैं जहाँ पे इस टीम के लिए जो स्टार्टिंग स्कोर कराते हैं मोहम्मद शमी हार्दिक पंड्या, ठीक है दोस्तों। पहला ओवर की बात करते हैं जो कि बीच में नहीं पहले ओवर की, उसके बाद पावर प्ले में आपको मिलेगा मोहम्मद शमी एंड यहाँ पर राशिद खान, एंड डेथ में दोस्तों मोहित शर्मा जो सोलेटिल और मोहम्मद शमी। गाइस देखिए जो रिसेंट था बॉलिंग स्टाइल बॉलिंग ऑर्डर दोस्तों उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है राशिद खान जो कि जल्दी पावर प्ले में स्पेल लेकर करने आते हैं, ये सिचुएशन के ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग के बारे में, डेविड वार्नर जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है फिलिप चार्ज के साथ दोस्तों ओपन करते हैं, फिलिप चार्ज जो कि राइट हैंड बैट्समैन एंड विकेट कीपर है। रिसेंट में उन्होंने कहा था ट्रंप रहेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने का, आपने देखा है 50+ रन जो कि बंदे ने बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार के टेम्पलर भी हम जानने वाले हैं।
उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा मिचेल मार्श जो कि राइट हैंड बैट्समैन राइट हैंड मीडियम पेसर यानी कि पेसर बॉलर दोस्तों। एंड उसके यहाँ पे मनीष पांडे की बात करते हैं राइट हैंड बैट्समैन है, प्रियमगर राइट हैंड बैट्समैन है, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर भी है, रईपाल पटेल राइट हैंड बैट्समैन है, ईशान शर्मा राइट हैंड मीडियम फास्ट यानी कि पेसर है, उसके यहाँ पे मुकेश कुमार राइट हैंड मीडियम फास्ट है पेसर है, कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चिन्ह स्पिन बॉलर है, एंडिक नोकेस तो राइट आर्म फास्ट यानी कि पेसर बॉलर। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँगी, थोड़ा सा टाइम आपका लग रहा होगा इस, बट यहाँ पे मैं बॉलिंग स्टाइल भी प्लेयर का आपको बता रहा हूँ, जिससे कि दोस्तों आपको टीम बनाने में आसानी हो और जब आगे टीम बनाएंगे उसमें दोस्तों आपको सब कुछ आसान तरीके से समझ आ जाए, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बता करते हैं कि डीसी की तरफ से जो कि स्टार्टिंग कॉल कराते हैं ईशांत एंड मुकेश चौधरी, ठीक है दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद पावर प्ले में ईशांत एंड नोकिया आपको मिल जाते हैं, उसके बाद डेथ में मार्श एंड नोकिया, ठीक है। अब देखिए मिचेल मार्श तो फिलहाल कभी कभी स्टार्टिंग ओवर भी लेकर भी आ जाते हैं, थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे होता रहता है स्पेल, बाकी टीम जो कि होगी गाइस वो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर कंफर्म वाली मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर भी मैं क्लियर कर देता हूँ, बॉलिंग ऑर्डर भी दोस्तों वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन करिए, कैसे ज्वाइन करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आते हैं अब अपनी फंटेसी पे, जब आईपीएल में हो रहे हैं धमाके तो अपने ग्रैंड लीग को कैसे भूल सकते हैं, कहने का मतलब ये 39 रुपये में मात्र बल्लेबाजी दे रहा है, 5 लाख की ग्रैंड लीग कंपटीशन है, कम आसान से ओपनेट होते हैं और यहाँ जीतना कन्फर्म है, बस बढ़िया टीम बनाओ और ढेर सारा कैश प्राइज जीतो जीएल पर। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में होता है, करना क्या है जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे आना है, सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप उसके बाद राइट पे आपको इस प्रकार का बेल का आइकॉन दिखेगा, इस पर दोस्तों क्लिक कर देना एंड ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि दोस्तों ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियोज का मिले आपको और हर बार दोस्तों आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए और एक यूनिक टीम बना पाए। एंड उसके बाद दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक प्रोवाइड किया है आपको, दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से लिंक मिलेगा क्लिक कर दीजिए। एंड आज ही मेरे बिल्कुल फ्री टीम जो कि टीम जहाँ मिलती है टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे आइए और आपको दोस्तों सर्च करके बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना, अदरवाइज मेरे भाई जहाँ पर आए हैं मेरे नाम से अगर कोई पैसे मांग रहा तो बिल्कुल आप दीजिएगा नहीं, ठीक है। आप रियल टेलीग्राम चैनल पर आइए और आपको बताता हूँ गाइस मेरा एक ही टेलीग्राम चैनल जो कि ये वाला, जिससे कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन से ज्वाइन होना है। दोस्तों अगर हम बात करें हेड टू हेड की, दोनों टीम के बीच में जो है दो मतलब कि हेड टू हेड के मैच हुए आमने सामने, जिसमें कि गुजरात टाइटंस ने दोनों के दोनों मैच विन किए और डेली कैपिटल दोस्तों अभी तक जो है आमने सामने में एक भी मैच का खाता नहीं खुला, तो आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम विन करेगी, बट आप देख रहे हैं डेली कैपिटल जो कि अभी तक यार टोटल मैच में दो ही मैच विन करिए, जिसमें लास्ट वाला मैच भी हार करके आ रही है, बाकी गुजरात टाइटंस यहाँ पे देख रहे हैं बैक टू बैक विन कर रही है। अब हर दिन आसान से सवालों को जवाब देके यस या नो करके इतना पैसा कमा रहे हैं तो ये मौका क्यों छोड़ रहे, बल्लेबाजी प्रैक्टिस पे मैच के दौरान भी पैसा कमा सकते हैं ढेर सारा। तो बस क्वेश्चन जैसे कि दोस्तों आप देख लीजिए गुजरात विल दैट इंडिया मैच अगेंस्ट दिल्ली, अब इसमें यस या नो करके ढेर सारा विन करो, मुझे लगता है यस तो मैं यस पे कर रहा हूँ और ढेर सारे कैश जीत रहा हूँ, अगर आपको मैच के दौरान लगता है नहीं जीतेगी तो आप जो है फिलहाल नो पे क्लिक करके पैसा कमा लो, इस तरह से स्क्रीन पे दिए गए सवालों के जवाब देके आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हो। अब जैसे मुझे लगता है गुजरात जीतेगी एंड आंसर है यस, तो बस यस पे क्लिक करो और अपनी मर्जी के प्राइस चूज करो, आप देख सकते हो कितने प्राइस पे बिड्स मिले हैं, बस फिर अपने बजट के हिसाब से क्वांटिटी लगाओ और कर दो सबमिट, अगर आपको लगे आपका आंसर गलत हो रहा है मैच के दौरान तो आप अपने बिड सेल भी कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो, डाउनलोड करो बल्लेबाजी ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ दोस्तों आ चुके हैं बल्लेबाजी एप्लीकेशन पर, आप दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन पर खेल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट यार अगर आप बल्लेबाजी पर खेलते तो देखिए आप यहाँ पे ओनली आपको मात्र यानी कि 39 रुपये में ग्रांड लीग मिले, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कंपटीशन कितना का मैं देख सकते हैं 16,999 रुपये, आप यहाँ पे हेड टू हेड खेल भी खेल सकते हैं जो कि 1899 दोस्तों, आपका प्राइस पूल जो कि कितना रहेगा दोस्तों 30,000 का प्राइस पूल, तो मतलब गजब की भाई विनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऑलरेडी, और यहाँ पे देखिए आपको प्रेडिक्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, आप आसान से सवाल का जवाब देकर के पैसे भी कमा सकते हैं। अब टीम की बात करते गए यहाँ पे देखिए सबसे पहले चलेंगे किस प्रकार प्लेयर को हम अपनी टीम में रखेंगे, डिटेल्स में दोस्तों आपको बताऊंगा जो वीडियो के साथ आपको बने रहना है, एंड आपको पता है बैक टू बैक हम विन कर रहे हैं इसीलिए दोस्तों जो कि आप लोग भी वीडियोस में आए, और साथ ही साथ दोस्तों मैं सोचा हूं कि दोबारा भी वीडियोस आपको बना करके दूं, ठीक है दोस्तों। एंड अब बात करते हैं यहां पे देखिए विकेट कीपर सेक्शन से आपको दो प्लेयर मिल रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन वाले रहने वाले वृद्धिमान शाह और यहाँ पे फिलिप चार्टिस। अब सिलेक्शन की बात करेंगे देखिए यहाँ पे रिसेंट जो कि है फिलिप चार्ट अच्छा रन बना चुके हैं भाई, 100 पॉइंट्स दिए हैं, तो क्या कर रहे हैं लोग फिलिप चार्ट को रख रहे हैं सभी फंटेसी एप्लीकेशन पर, ठीक है सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो गया फिलिप चार्ट का। एंड वृद्धिमान शाह की बात करेंगे जहाँ पे दो मैच लगातार फ्लॉप हुए तो इनका सिलेक्शन कम हो चुका है। आप देखिए अगर हम बात करेंगे इस देखिए रिसेंट जो ये बना करके आ रहे हैं पॉइंट्स फिलिप चार्ट 29, 41, 16, 10, 100, एंड उसके बाद वृद्धिमान शाह 73, 9, 79, 14, 15, ठीक है। देखिए ये तो वृद्धिमान शाह जो कई सारे मैचेस खेल चुके हैं, ठीक है, और फिलिप चार्ट अभी आईपीएल के दो ही मैच जिसमें पहले दो तीन मैच दोस्तों पहले में कुछ खास नहीं, उसके बाद यहाँ पे देखें लास्ट वाला मैच में 100 पॉइंट्स देकर गए, मैंने कहा था कि आप रख भी सकते हैं। अब हमें अगर टीम बनानी गई रिस्की वाली तो फिलिप चार्ट पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो हम किसको पिक करेंगे इस वृद्धिमान शाह को, क्योंकि होम ग्राउंड रहेगा वृद्धिमान शाह का, और जो कि दोस्तों हम पहली टीम में वृद्धिमान शाह को पिक करेंगे, ठीक है। डेविड जो कि फिलिप चार्ट को आप ड्रॉप करके जा सकते हैं,
उसके बाद बात करोगे दोस्तों, मैंने कहा कि आपको भाई सामने वाली टीम में जो है गुजरात टाइटंस में भाई बॉलिंग लाइनअप गजब की है, ये भी आपको पता है, कहीं ना कहीं दोस्तों वहाँ पे विकेट जरूर मिलेगी। और फिर स्टार्ट के आपको पता है टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है मोहम्मद शमी, इस पर लेकर के आते हैं फिर हार्दिक पंड्या, फिर राशिद खान, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से क्या करना है हमें, डेविड वार्नर देख रहे हैं बैक टू बैक आपको ठीक ठाक के पॉइंट देकर जा रहे हैं, मतलब रन बना रहे हैं। उसके बाद लास्ट वाले मैच में दोस्तों फ्लॉप हुए, ठीक है, टीम में रखने के नहीं रखने के, देखिए 89% लोग टीम में इनको लेकर जा रहे हैं, बट आपने देखा इस हर मैच में देखा होगा कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स को भी लोग ड्रॉप करके जाते हैं जो कि लाखों करोड़ विन करते हैं, उनके टीम में बड़े प्लेयर्स भी नहीं होते, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि कल के मैच में आपने देखा खेल रहा होगा तो कोई नहीं इंजर्ड हो गया था, बट उसके बाद दोस्तों आपने देखा ग्लेन मैक्सवेल भी सभी की टीम में मौजूद नहीं था, ये भी मतलब दोस्तों आपने देखा होगा कैली मेयर्स भी नहीं मौजूद था, मार्कस स्टोइनिस भी मौजूद नहीं था जो कि फैंटेसी ड्रीम टीम में दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आपको टीम बनानी होती है गाइस, और इसके टीम क्या रहेगी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के अगर आप सेफ जाना चाहते तो डेविड वार्नर को रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद यहाँ पे मनीष पांडे देखिए सिलेक्शन कम है इनका, 42% है, ये आपके रिस्की टीम में रहेंगे और एक यूनिक टीम में आपके जरूर होने चाहिए गाइस। और फिलहाल अभी के लिए चलिए हम ड्रॉप करते हैं, अभी आप थोड़ा सा नीचे आएंगे शुभमन गिल देखिए सभी के टीम में रहेंगे, हाईएस्ट सिलेक्शन वाले प्लेयर रहेंगे और बैक टू बैक ठीक ठाक ये पॉइंट्स दे भी रहे हैं, और गाइस ये इन ग्राउंड और हेड टू हेड में भी ठीक ठाक हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियोज बनाई उसमें दोस्तों मैंने हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेट रिकॉर्ड सब क्लियर किया। एंड उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आते हैं, देखिए अभिनव मनोहर बैटिंग में थोड़ा सा डाउन है, रिस्की है, बट यहाँ पे दोस्तों इनको बैटिंग मिलेगी तो यार रन ठीक ठाक बनाएगा, तो यहाँ पर जहाँ तक इनको बैटिंग मिलेगा ठीक ठाक इन्होंने रन बनाया। एंड अगर मिचेल मार्श अक्षर पटेल फिर से बैक होते हैं अपने फॉर्म में तो फिर यार इनको बैटिंग तो कन्फर्म मिलेगी। एंड उसके बाद बात करते गए यहाँ पर डेविड मिलर की, तो देखिए डेविड मिलर 68% लोगों का सिलेक्शन है एंड हाईएस्ट ही कह सकते हैं गाइस, बट थोड़ा सा इनका बैटिंग ऑल डाउन आपको पता है। एंड अगर टीम में रखने की बात करेंगे तो देखिए इनका सिलेक्शन जब हम कर लेंगे तो हम भी हो जाएंगे एक सेफेस्ट टीम में और फिलहाल हाईएस्ट सिलेक्शन वाली टीम में गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, तो देखिए अक्षर पटेल आपको मिलेंगे, विचल मास और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेंगे हार्दिक पंड्या, विजय शंकर। अब इनमें देखिए सिलेक्शन की बात आती है तो किस प्रकार से, देखिए अक्षर पटेल सभी की टीम में रहेंगे, 87% लोगों ने रखा, बट कल के मैच में दोस्तों आपने देखा था ग्लेन मैक्सवेल को भी बहुत कम लोगों ने रखा था, ठीक है दोस्तों। जो फैंटेसी ड्रीम टीम है तो वो बंदे ने मार्कस स्टोइनिस को भी नहीं रखा था, कैली मेयर्स को भी नहीं रखा था, ठीक है, वो भी हाईएस्ट सिलेक्शन वाले ही प्लेयर थे और रिसेंट बैक टू बैक अच्छा करके भी आ रहे थे गाइस, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एंड उसके बाद करते गाइस यहां पे देखिए अक्षर पटेल, चलिए अभी सेफेस्ट टीम में आप रख लीजिए। उसके बाद मिचेल मार्श देखिए गाइस लास्ट वाले मैच में इन्होंने अच्छा पॉइंट दिया, बाकी आप सभी मैच देख रहे कुछ खास नहीं, यहाँ पे फ्लॉप भी हुए थे मेरे भाई, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हार्दिक पंड्या की, तो फिर हार्दिक पंड्या देखिए रिसेंट अगर देखिए बैक टू बैक ठीक ठाक पॉइंट देकर के आ रहे हैं, बट यहाँ पर लास्ट वाले में 32 points ही है। एंड ग्राउंड पे बात करते हैं बॉलिंग ठीक रहती है, बैटिंग थोड़ी सी इनकी खराब हो जाती है। एंड उसके बाद बात करते हैं विजय शंकर की, देखिए यहाँ पे नॉट आउट होकर इन्होंने रन बनाया था, और देखिए एक चीज बताता हूँ कोलकाता के गेस में इन्होंने दोनों मैचेस में रन बनाया था, यहाँ पे 95 उसके बाद यहाँ पे 81 गेस, ठीक है। बट इनको होम ग्राउंड अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सुइटेबल है, बट उतना भरोसा करने लायक प्लेयर्स दोस्तों नहीं रहेंगे, बट यहाँ पे 28% इन्होंने रखा गया सिलेक्शन, तो यार एक टीम में तो कुछ ऐसे प्लेयर को हम लेकर के जाएंगे जो कि सेफ टीम रहेगी, उसमें एक दो तो हमें फ्लॉप या रिस्क प्लस जरूर ट्राई करने होते गए, ठीक है। चलिए हम विजय शंकर को ट्राई कर लेते हैं। उसके दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से हम आएंगे एंड यहाँ पे बात करते गए जो कि फिलहाल बॉल्स किन किन रखेंगे, देखिए दोस्तों आपको पता है मोहम्मद शमी सभी की टीम में रहेंगे तो आप रख लीजिए। एंड यहाँ पे 91 जो कि फिलहाल इनका जो है दोस्तों मतलब कि सिलेक्शन रहने वाला है, 69 दोस्तों कम है, मतलब थोड़ा सा 91 पॉइंट्स देकर के आ रही है। एंड उसके बाद नूर अहमद देखिए रख लीजिए, बढ़िया स्पिनर है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेंगे एक जो कि देखिए मोहम्मद शमी या तो फिलहाल नूर अहमद, दोनों में किसी एक को, चलिए हम दोस्तों पहले टीम में नूर अहमद को ड्रॉप किया जाए, राशिद खान को रख लेते हैं। अब यहाँ नोकिया दोस्तों, ठीक है, नोकिया या कुलदीप यादव किसको रखेंगे, देखिए कुलदीप यादव स्पिनर है फिलहाल रिसेंट फ्लॉप हुए हैं, नोकिया भी दोस्तों यहाँ पे कुछ खास नहीं रहे लास्ट वाले मैच में, बट यार कुलदीप यादव और नोकिया दोनों का फॉर्म गजब का है, क्योंकि अगर हम पॉइंट्स देखते हैं इनका कुछ इस प्रकार से रहा है, ठीक है। तो ये स्पिनर है और ये नोकिया जो कि फिलहाल पेसर है, तो मुझे लग रहा है पेसर के लिए एडवांटेज है इस पिच पे और जो पिच रिपोर्ट पिच की कंडीशन करें उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, तो चलिए फिलहाल नोकिया को हम रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे देखिए टीम का प्रव्यू देख लेते हैं, इस प्रकार से मेरा रहने वाला है जो हमने टीम क्रिएट करी है। अब यहाँ पे देखो ये दोस्तों ये टीम हमने बनाई, तो यहाँ पे भरोसा किसको करेंगे, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से, मिचेल मार्श और अक्षर पटेल, ठीक है, ये टीम का सिलेक्शन रहने वाला है। अगर आपको थोड़ा सा चेंजमेंट करना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने रिस्की प्लेयर किसको रखा है, यहाँ पे वृद्धि मंसा को, ठीक है दोस्तों वृद्धि मंसा, उसके यहाँ पे विजय शंकर। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे भाई तो आप क्या करिएगा, विजय शंकर के जगह पे आप जो है फ्लिपकार्ट को भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और सेफ जानना चाहते हैं ये मतलब कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन वाला है ये हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो कैप्टन रहेंगे भाई, तो चलिए इस टीम में मिचेल मार्श और अक्षर पटेल को ट्राई करते हैं, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों पर भरोसा करेंगे, थोड़ा सा मिचेल मार्श टॉप है बैटिंग करने आते हैं, फॉर्म बैक है, और अक्षर पटेल देखिए तो लास्ट सभी मैचेस में ठीक ठाक पॉइंट्स देकर के जा रहे हैं, तो उनको वाइस कैप्टन कर लेंगे, ठीक है। ये टीम हमारी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी जो कि आप देख सकते हैं, जो कि आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। बट गाइस देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपको कुछ हाईएस्ट प्लेयर को भी ड्रॉप करके जाना दूसरी टीम में, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए ये वाली टीम का। एंड उसके बाद कन्फर्म तो आपको टेलीग्राम चैनल पर करना पड़ेगा, आप दूसरे हम दूसरी टीम की बात करते हैं, ठीक है, दूसरी टीम किस प्रकार
प्रकार से बनाएंगे जो कि थोड़ी सी रिस्की रहने वाली है। अब बात करेंगे दूसरी टीम की। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम जो है वृद्धिमान साहब पे थोड़ा सा भरोसा करेंगे, क्योंकि ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, टॉप ऑर्डर पे आते हैं, और फिलिप साड को भी हम ड्रॉप करने के लिए सोचेंगे। क्योंकि दोस्तों रिसेंट अगर हम देखते हैं तो फिर जो मोहम्मद शमी, राशिद खान के ऊपर हम ज़्यादा भरोसा करेंगे, तो फिर दोस्तों रखेंगे इनको। अब देखिए बड़े प्लेयर्स को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं, डेविड वार्नर को मैं यहाँ पर ड्रॉप करके जाऊँगा, कि डेविड वार्नर दोस्तों टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करने, और मोहम्मद शमी फिलहाल स्टार्टिंग में लेकर के आएंगे स्पिल। और आपने प्लेयर बैटल नहीं देखा गया, तो प्लेयर बैटल जो है देख लिए होंगे मुझे लग रहा है ऐसा, और वहाँ पे देखा मोहम्मद शमी प्लेयर किस प्रकार से प्लेयर बैटल लगा वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। टॉप ऑर्डर पर विकेट लेकर के आ रहे हैं, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देखें मनीष पांडे को फिर हम रखेंगे, रिस्की टीम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम डेविड मिलर को भी ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप करने के लिए सोचेंगे, तो गाइस मैं डेविड मिलर को भी ड्रॉप करके जाऊंगा, ओनली शुभमन गिल को रखूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि अभिनव मनोहर पर मैंने कहा कि जहाँ तक इनको बैटिंग मिल सकती है, तो फिलहाल जो है आप अभिनव मनोहर को ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चेंजमेंट होता है तो फिर मैं ट्राई करने के लिए सोचूंगा, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं अभिनव मनोहर को रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभिनव मनोहर को रख लिया हमने, उसको चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ये थोड़ा सा आपको रिस्की लग रहा होगा, अगर आपने देखा होगा रिसेंट सभी जो कि लाखों करोड़ों विन करने वाले बंदों ने इसी प्रकार से टीम बनाई भाई, तो थोड़ा सा तो रिस्क बनता है। दोस्तों अक्षर पटेल, मिचेल मार्श दोस्तों रखेंगे सभी टीम में, क्योंकि यार इनके पास एडवांटेज और बॉलिंग और बैटिंग दोनों का। अब यहाँ दोस्तों हार्दिक पांड्या को ऑनली रख लेना, अभी तक का टीम पर सिलेक्शन कर हमारा इस प्रकार से रहने वाला है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद करते हैं यहाँ पे विजय शंकर की। देखिए विजय शंकर का तो कम सिलेक्शन वाला फिलहाल मतलब कि बुरा रहेगा गाइस, मतलब कम सिलेक्शन रहेगा, बट फिर भी आप देख रहे 36, 95, 21, 26, 81 कंसिस्टेंट बैट्समैन है। बैटिंग मिलेगी तो आपको पॉइंट्स जरूर देगा, चाहे तो 20 से 25 पॉइंट देगा दोस्तों आपको पॉइंट जरूर, ठीक है। एंड अगर आपको वन साइड टीम बनानी है कि हार्दिक पंड्या वाली टीम जीतेगी, गुजरात टाइटन्स जीतेगी, तो फिर मेरे हिसाब से क्या करना, भी फिलहाल के लिए विजय शंकर को आप थोड़ा सा सोचिएगा, रख दीजिए ऐसे। एंड उसके बाद करते हैं टीम के लिए कुलदीप यादव दोस्तों हम यहाँ पर रख लेंगे। एंड उसके बाद क्या करना, थोड़ा सा नीचे आना आपको, ईशांत शर्मा जहाँ तक कुछ खास बैक हो सकता है मुझे नहीं लग रहा, और मुकेश चौधरी को तो फिलहाल चलिए कोई नाम अभी हम ड्रॉप करेंगे। बट यहाँ पर दोस्तों देखिए राशिद खान, हेटवर्ड वेन्यू दोनों ठीक ठाक, अगर आपने देखा नहीं तो यार वीडियोज वाले देख लीजिएगा। मोहम्मद शमी, नूर अहमद, ठीक है। तो ये हमारी टीम का सिलेक्शन रहेगा, जिसमें हम वन साइडेड चाहेंगे कि फिलहाल जो है यहाँ पे गुजरात टाइटन्स मैच को विन करेगी। अब यहाँ पे देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, तो मैं यहाँ पे कैप्टन जो है फिलहाल बता दूँ शुभमन गिल को करने वाला हूँ, और राशिद खान का बढ़िया फॉर्म है इस ग्राउंड और हेटवर्ड दोनों में, तो मैं ये वाली टीम का दोस्तों सिलेक्शन करूंगा दूसरे रिस्की टीम में। देखिए यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपको रिस्की नहीं लेकर होगी, बट यहाँ पे जो सिलेक्शन है हमारा कुछ टीम का वो फिलहाल जो कि बहुत ही गजब लग रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए राशिद खान को अपने वाइस कैप्टन बनाया, और फिलहाल ये भी पावर प्ले में रिसेंट स्पिल कराएंगे। मोहम्मद शमी ऑलरेडी रहेंगे, नूर अहमद ऑलरेडी रहेंगे हमारी टीम में, कुलदीप यादव को रखा ली, और यहाँ पे देखिए हमने डेविड वार्नर को भी ड्रॉप कर रखा गया, ठीक है। डेविड मिलर को हमने ड्रॉप कर रखा है, क्योंकि थोड़ा सा भरोसा इन पर भी हमें करना है, तो मतलब कुछ रिस्की टीम भी हमें बनानी है। बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और दोस्तों स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं इस टीम का भी, कन्फर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर ही करना पड़ेगा। होप दोस्तों वीडियो पसंद आए, लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर, चले मित्र छोड़ भाई जाए जवाब।